हमारे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं आज इंडिया से यूएस से। बाय द वे भाई, इस कैंटीन में खाना इतना सस्ता मिलता है ना, तो इसी में तेरे आते ही विराट कोहली चला गया। तू वापिस चली जा, तू वापिस चली जा। सारा सामान इनका खराब पड़ा हुआ है, मतलब मोस्टली कर्कलैंड वाले ऑर्गेनिक घी भी बेचने लगे हैं। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं भाई सुबह 7 बजे उठ गया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार, एंड अभी बज रहे हैं 8। तो तब से लेके अभी तक ना मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि यार यूएसए में लाइव स्ट्रीमिंग आप कहाँ पे देख सकते हो मैच की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा तो कुछ मेरे को मिला नहीं। देन स्लिंग आ रहा था कि स्लिंग पे आप देख सकते हो मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, बट देन आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जो कि $10-15 की आएगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी और छानबीन करी, तो इंडिया में हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग करता है मैच की, बट आप यूएसए से हॉटस्टार एक्सेस नहीं कर सकते हो इंडिया वाला। बट मेरे पास सर्फशार्क की सब्सक्रिप्शन थी, तो मैंने उससे इंडिया का वीपीएन कनेक्ट किया, हॉटस्टार खोला, देन उसमें भी पता चला कि भाई वो भी पैसा चार्ज करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने नहीं देते हैं। तो बट वो जो चार्ज कर रहे थे वो 300 रुपये चार्ज कर रहे थे, यहीं स्लिंग वगैरह अगर मैं कुछ लेता तो उसमें मेरे 700 या 800 रुपये लग जाते। तो मैंने फिर हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ले ली है, और यहाँ पर देखो भाई मैच भी लगा दिया है। फिलहाल अभी मैच स्टार्ट हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ रेन, आई गेस रेन जो है वो स्टॉप हो चुकी है, तो किसी भी वक्त मैच स्टार्ट हो सकता है। तो भाई ऑल एक्साइटेड। 10 बजे देख रहे हो भाई, मतलब सामने चल रही है श्री नरेंद्र मोदी जी की ओथ सेरेमनी, और यहाँ पे चल रहा है अपना इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। वैसे मैं क्रिकेट इतना फॉलो करता नहीं हूँ आजकल, मतलब जब लास्ट टाइम मैंने फॉलो किया था वो वाला T20 किया था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, तो उसके बाद से मैंने इतना प्रॉपरली क्रिकेट फॉलो किया नहीं है। बट हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच कभी मिस नहीं होता भाई। एंड यहाँ पे ना एक जगह पे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो लोकेशन ना यहाँ से करीबन आप ये मान लो पौना या 1 घंटे की दूरी पर है, मतलब वो सिएटल में है। आसपास मुझे कुछ और दिखा नहीं कि जहाँ पे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो। तो प्लान तो मेरा यही था कि वहाँ पे जाके मैच को देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे वहाँ पे, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगा रखे हैं, बॉलीवुड डांसेस कुछ वगैरह लिखे हुए थे, देन बॉलीवुड डीजे वगैरह कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ पे जाके मैच देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता, बट देन वही है कि रात को हमें लेट हो गया सोने में, जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो मैं तो उठ गया था सुबह जल्दी, बट तान्या नहीं उठ पाई, और मेरे को ना ऐसे अकेले जाने में फिर मज़ा आएगा नहीं। और मैच फिर सुबह 7 बजे ही है ना, तो जितने भी हमारे दोस्त यार लोग हैं वो भी शायद तो सो रहे होंगे, या फिर अगर उठे भी होंगे तो अपने घर पर ही होंगे, तो इस वजह से घर पर ही बैठ के मैच को एंजॉय करना पड़ेगा। अब फाइनली भाई मैच स्टार्ट हो चुका है, सो दोनों टीम उतर चुकी है मैदान पे। मान ने कोई गलती नहीं की, बड़ी विकेट पाकिस्तान। भाई ये क्या हो गया? बाय द वे मैडम भी उठ के आ चुकी हैं। तेरे आते ही विराट कोहली चला गया, तू वापिस चली जा, तू वापिस चली जा सोने। कुछ भी, इनका पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, अबे यार पाकिस्तान के आगे चल नहीं पाते। एक तो इतनी मुश्किल से मैच स्टार्ट हुआ था, वो पता नहीं क्या क्या बारिश आई जा रही है, आई जा रही है, मैच रुक जा रहा है, उतनी मुश्किल से वो कोहली आया था अभी स्ट्राइक पे, एक चौका मारा चला गया। उसको ज्यादा जल्दी हो रही है मारने की। मैच की स्टार्ट ही इतनी बकवास हुई है। दूसरा विकेट हो गया। तू अंदर जाके दोबारा सो जा यार, तू जब से आई है तब से मैच का रुख सा बदल गया है, रोहित शर्मा भी चला गया, विराट कोहली भी चला गया, अब क्या चल रहा है मैच में? तो मैं थोड़ी खेल रही हूँ, जो खेल रहा है वो कर रहा है ना। मुझे यही लग रहा है मैं दोबारा जाके सो ही जाता हूँ सच्चा, मैं क्या कहते हैं हाइलाइट्स देख लूंगा, वो बेटर है। 120 रन यार सिर्फ, हालांकि इस पिच के हिसाब से इतने रन बनना भी ठीक है, कम स्कोर नहीं है ये, मगर यार क्या धड़ल्ले से आउट हुए भाई। मतलब देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ भाई मैं सिएटल नहीं गया ये मैच देखने के लिए, ये तो मेरा गंदे वाला मूड खराब हो जाता। चलो फिलहाल अब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी अभी थोड़ी देर में, तब तक कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाया नहीं था, एंड 10:40 बज गए तो पेट में चूहे दौड़ना स्टार्ट कर दिया, एंड मैडम भी नहाने के लिए चली गई है। और आज का जो दिन होगा ना वो हमारा काफ़ी हैक्टिक रहने वाला है भाई, क्योंकि एक तो घर की सफाई करनी है, ऊपर से कॉस्को जाके ग्रॉसरीज लेके आनी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं आज इंडिया से यूएस से, तो उनकी फ्लाइट है इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे की, एंड वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे कल।
डेढ़ या दो बजे तक दोपहर में, तो उनके लिए भी तैयारी करनी है। बट पहले खाना खा लेते हैं ना। मैं इसलिए नहीं रहा हूँ पहले क्योंकि घर की सफाई वगैरह भी करनी होगी तो फिर गंदा हो जाऊंगा, तो खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग रही है। देन सफाई कर लेंगे, देन नहाएंगे, देन कॉस्को जाएंगे। और भाई जीत गए। कहाँ गई मैडम? क्या कह रहे थे तुम कि 120 कम रन है? हां जी, ये देखो तो 120 भाई, उस पिच के हिसाब से 120 रन काफी हैं। तुम बड़े खेले उस पे, बट देखे ना बाकी मैचेस जो हुए उस पिच पे, उसमें इतने रन बनाना ही बहुत मुश्किल है। इस वजह से मेरा तो भाई सुबह उठना और 300 रुपए जो मैंने लगाए हॉटस्टार में वो पूरे वसूल गए। वो दिन मैच काफी इंगेजिंग था। हाँ, इंटरेस्टिंग तो था काफी दोनों साइड से। पर मैं बोल रहा, अगर इंडिया ने ज्यादा रन बनाए होते ना तो इतना इंगेजिंग लगता नहीं। बट मजा आ गया, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे जितने भी लोग देखने गए होंगे न्यूयॉर्क में, उनको तो और मजा आ गया होगा, है ना। फिलहाल अभी भाई मैच देखते देखते हमें बज चुके हैं दोपहर के 12, तो अब दोपहर के 12 भी नहीं, एक मान लो, एक ही बज गया है। अब घर का थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं, साफ सफाई करते हैं, एंड मम्मी पापा भी जो है ना वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बाथरूम साफ कर लेता हूँ मैडम, तुम किचन साफ कर लो, ठीक है ना। दोनों बाथरूम मैं साफ कर देता हूँ, तो ये वाला जो बाथरूम है ये मम्मी पापा यूज़ करेंगे, और मैं और तान्या जो उस रूम के अंदर अटैच बाथरूम है वो यूज़ करेंगे, तो दोनों बाथरूम साफ कर देते हैं। फाइनली भाई पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है और हमारी हो गई है ऐसी की तैसी। मतलब बड़े घर में रहना भी ना यहाँ पे एक अलग ही झंझट है। ये तो है ना। फिलहाल साफ सफाई करते करते हमें बज गए हैं 3:30, एंड अभी यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी की जा रही है। तो मैडम ने आज बनाए हैं गोभी के पराठे, और हमें ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करने जाना है कॉस्को, और आज संडे है ना तो कॉस्को आज भी 6 बजे बंद हो जाएगा, तो हमारे पास रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैडम खाना खाते ही हमें निकलना पड़ेगा कॉस्को की तरफ। हाँ जी, तुम्हारे बन गए पराठे? आ जाओ लेके आ जाओ, साथ में ही खाते हैं बैठ के फिर आराम से। चलो जी पहुंच गए अपन कॉस्को, ढेर सारी शॉपिंग की जाएगी भाई आज, क्योंकि मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी सामान लेना है। ढेर सारी भी थोड़ी ही करनी है क्योंकि अभी परसों तो हम जा रहे हैं। अच्छा, अरे हाँ परसों तो हम जा रहे हैं, तो फिर कम करनी पड़ेगी, बाद में करेंगे फिर आके। एक्चुअली पंगा क्या है ना भाई, बहुत तेज मुझे नींद आ रही है अभी, मन कर रहा है सो जाऊं। कि क्या बोल रहा हूं। हाँ, ऊपर से जो ताने ने पराठे बनाए थे ना, इतने गजब के पराठे थे भाई, उसको खाने के बाद तो ऐसा लग गया कि 2-3 घंटे की मैं नींद और ले लूं। सही में जल्दी उठे थे ना आज, इसीलिए वही पंगा हो गया। कोई नहीं, चलो कॉस्को की शॉपिंग करते हैं खत्म, देन उसके बाद घर जाके आराम करेंगे। आओ भाई, सब गजीबो मिल रहा है आज यहाँ पे, $2,000 का यार, काफी महंगा है। ये देखो ये क्या है, पूरा सेट मिल रहा है $90 का। $90 का है ना, तो हमने मंगा लिया $15 में अपने ब्लेड्स, देखा इतना सस्ता जुगाड़ किया, थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स। सोफा भी मिल रहा है यार आज तो यहाँ पे, 1300 का, 1000 का, सही मिल रहा है ना, सही रेट में मिल रहा है। हाँ इतने का ही मिलता है, सही मिल रहा है आज, बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है भाई कॉस्को में। वहाँ देख, वो देख ऊपर टेंट लगे हुए हैं वहाँ पे, किसी के ब्लॉग में देखा था वो यही वाला। हाँ, और पीछे वो कैंपिंग वाला टेंट है, उधर देख। संडे को लेट आने का नतीजा है भाई ये देखो, सारा सामान इनका खराब पड़ा हुआ है, मतलब मोस्टली हर टमाटर पे फूई लगी हुई है। मिल गया, सही है ये वाला। संडे को आते आते सारा सामान छट जाता है यार। हाँ, जी तान्या ये देख, कर्कलैंड वाले ऑर्गेनिक घी भी बेचने लगे हैं यहाँ पे सब कर्कलैंड वाले। पहले हाँ, तो हम यहाँ से वो कैरिंगटन वाला नाम का घी आता था ना इस पे, वो लेके जाते थे, तो वो काफी सही घी लगता था, वो शायद यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया है। देन उसके बाद से नानक वाला देसी घी मिलने लग गया, वो हमें अच्छा लगता नहीं है, पर फिर वो ही मिल जाता है फिलहाल के लिए। एंड बाय द वे आई गेस हमारी शॉपिंग भाई हो ही चुकी है कंप्लीट, 15 मिनट नहीं लगाए होंगे हमें पता है अपनी शॉपिंग करने में इस बारी, क्योंकि वही यार याद ही नहीं आया कि हम इस हफ्ते होंगे नहीं घर पे, तो हम कुछ भी सामान उठा रहे हैं, फिर यही लग रहा है कि अरे ये तो एक हफ्ते बाद खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम बाद में आ जाएंगे। तो फिर जो सामान बिल्कुल भी नहीं था ना घर में, हमने वो ले लिया, जैसे कि दूध, क्योंकि चाय बनाएंगे,
मम्मी पापा आएंगे तो चाय बनेंगे तो दूध चाहिए होगा, देखा। एंड देन गर्मी ज्यादा बढ़ गई है तो भाई हमने कोकोनट वाटर ले लिया है, तो वैसे वही छोटा मोटा सामान ही लिया हमने। फिलहाल अब देखते हैं यहाँ से कुछ कपड़े वपड़े मैडम को पसंद आएंगे या नहीं, क्योंकि मैडम कह रही है कि बिल कम आएगा तो ऐसा अच्छा ही लगेगा। क्या हुआ? ठीक है, हाँ सही है गर्मियों के हिसाब से तो घर में पहनने के लिए। हाँ जी, पता है मैडम कल ही शॉपिंग करके आई हैं। ओह नहीं, कल मैं शॉपिंग करके आया हूँ। मैडम तो बस मेरे साथ गई थी ऐसे ही, तो मैडम आज उसकी पूरी कसर निकालती है। और एक ये पसंद भी कर लिया गया भाई, और इसका प्राइस है $13। सही है, क्या कह रहे हो, नहीं मिल रहा क्या? चलो फिर चलते हैं, छोड़ो यार। ऑब्वियसली मैं तो यही चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी और देखेंगे, आ जाओ आराम करते हैं घर जाके, बहुत थके हुए हैं यार। चलो जी शॉपिंग तो हो गई है, अभी फिलहाल जा रहे हैं सामने कैंटीन में चेक करने के लिए कि इनके पास एक मैंगो वाली स्मूदी होती थी जो कि पिछले साल समर्स के टाइम पे ही आई थी, वो दोबारा से आई है या नहीं, क्योंकि मेरे को बड़ी पसंद आई थी भाई वो स्मूदी। और इसके अलावा जब हम अंदर आ रहे थे ना कॉस्को, तो हमने किसी के हाथ में एक और स्मूदी देख ली थी जो कि कैसी थी, पर्पल रेड कलर की कुछ थी, तो वो भी अच्छी लग रही थी, तो वो भी देखता है। हाँ मेन्यू में तो नहीं दिख रहा, मेन्यू में तो आइसक्रीम वगैरह ही दिख रही है, देखते हैं। आ जा आगे पूछते हैं। तो भाई ये है वो स्मूदी, तो ये एक ले लेते हैं। तो ये थी वो ड्रिंक जो कि है फ्रूट स्मूदी, और ये पड़ी आपको मात्र $3 की। हाँ जी अच्छी लगी तो हम एक और ले लेंगे। एक और देखो, पहले ट्राई करके देखो। बाय द वे भाई इस कैंटीन में खाना इतना सस्ता मिलता है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चीज बिकती है वो है पिज्जा, 18 इंच का पिज्जा मिल रहा है मात्र $10 में। हाँ ऐसे भर भर के लोग पिज्जा लेके जा रहे हैं ना, अभी एक बंदी देखी थी मैंने, 4 पिज्जा लेके गई है वो, बड़े बड़े 4। संडे मना रहे हैं। हाँ माइट भी यही होगा, बस एक ही पंगा है कि यहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, तो इसीलिए ताना खा नहीं पाती, और फिर ताना नहीं खा पाते तो फिर मेरा ही मन नहीं करता खाने का। अच्छी है ड्रिंक, पूरे ट्रॉपिकल फ्रूट्स और बेरीज बहुत ज्यादा है, तो पूरी ना खट्टी खट्टी है और मीठे नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद इसमें शुगर वगैरह उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है। सही है, मतलब हेल्दी है फिर तो, है ना, हेल्दी ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन निकाला है। इसीलिए मेरे को वो जो मैंगो वाली इनकी स्मूदी आती है ना, उसकी मैं वेट कर रहा हूँ, पता नहीं इस बार ही आएगी नहीं आएगी यार, पिछले साल तो थी तो मैं हर हमेशा वो लेता था, पता है जब भी कॉस्को आता था, तो मैं उसी की वेट कर रहा हूँ, वो आएगी उसकी रिप्लेसमेंट में, ये तो नहीं निकाल दी। अरे यार लो जी बैठे बैठे हमें बच गए हैं 11, तो कॉस्को से आने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, एंड तब से बैठ के हम ना यही सोचे जा रहे हैं कि कल मम्मी पापा फाइनली लैंड कर जाएंगे USA में फर्स्ट टाइम, तो फिर उनको हम ये घर दिखाएंगे, देन टेस्ला गाड़ी में बिठाएंगे, तो बस वही सब सोच रहे हैं, वही सब सोच के ना एक्साइटेड हुए जा रहे हैं हम। बस आई होप कि उनका जो ट्रैवलिंग जर्नी है एंड जो इमिग्रेशन है ना, वो कल वो सही से आसानी से निकल जाए। हाँ सही से हो जाए, तो यही बस दुआ है। बाकी करते हैं यार इस ब्लॉग की समाप्ति, तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना मत भूलना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।